नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स पैटिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स प्रो 2 का। उसी के साथ सैमसंग की गैलेक्सी बर्ड्स प्रो को भी इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। दोस्तों, इन दोनों के बीच की कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि करंटली अगर आप अमेजोन पे देखें तो गैलेक्सी बर्ड्स प्रो ये आपको 6,500 रुपए के आसपास आसानी से मिल जाएगी। गैलेक्सी बर्ड्स 2 प्रो है, उसे मैंने हाल ही के सेल में SBI क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के साथ 12,750 रुपए की कॉस्ट में खरीदा है। अगर इन दो की हम डायरेक्टली प्राइस कंपैरिजन करें, दुगनी प्राइस में हमें बर्ड्स 2 प्रो मिल रही है। तो चलिए वीडियो में ये देखते हैं क्या ये बर्ड्स प्रो से दुगनी अच्छी है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बॉक्स को देखें तो इस प्रकार से हमारा बॉक्स आता है। साइड में भी बर्ड्स 2 प्रो की ब्रांडिंग दी गई है और पीछे बाकी की डिटेल्स दी गई है। पिछले 3 जनरेशन के जो सैमसंग के ईयरबड्स है, तीनों में भी ANC है और इसमें उनका दावा है कि इम्प्रूव्ड ANC उन्होंने दी है। इसी के साथ इस बार पहली बार 24-bit हाई रेज ऑडियो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक स्पेशलिटी यह है कि ये लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 के साथ आती है, तो रेंज में थोड़ी बहुत एनहांसमेंट हमें मिलेगी। तो चलिए अब हम इसकी सील्स कट करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो इस तरह से आप देखें तो एकदम स्टैंडर्ड गैलेक्सी बर्ड्स का पैकेजिंग है। इस तरह से हमारी बर्ड्स दी गई है। एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यह है कुछ रबराइज मैट फिनिश में है, जबकि इससे अगर कंपेयर करें तो ये ग्लॉसी और प्लास्टिक की फिनिश में है। हमारी बर्ड्स प्रो में साउंड बाय AKG की ब्रांडिंग यही केस पे दी गई है जो यहाँ पे मिसिंग है। दोनों केसेस की साइज एग्जैक्टली सेम ही है। अगर हम बॉक्स में आगे देखें तो इस तरह से ये हमें केबल जो Type-C to Type-C है और उसी के साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं। अगर हम केस को खोले, बर्ड्स को भी वही सेम सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है और हमारी ब्लैक बर्ड्स भी मैट फिनिश में ही है। जैसे ही हम केस खोलते हैं, साउंड बाय AKG की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर कंपैरिजन के लिए मैं बर्ड्स प्रो खोलूं तो वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। अंदर LED एक दिया गया है जो हमारे बर्ड्स की चार्जिंग स्टेटस बताता है। बाहर LED दिया गया है जो हमारे केस की चार्ज स्टेट बताता है। Type-C पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट भी दिया गया है। बर्ड्स प्रो इस फर्स्ट जनरेशन की सबसे बड़ी क्रिटिक थी और वो थी इनकी साइज। अगर आप इन दो बर्ड्स को कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी बर्ड्स 2 प्रो ये हेवी डाइटिंग पे गई है। यहाँ पे जो ये बल्ज था वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है और अब ये काफी, मैं कहूंगा, नॉर्मल जो गैलेक्सी बर्ड्स 2 है उसके लाइंस पे इसे डिजाइन किया गया है। लेकिन सारी ही फंक्शनलिटी जो प्रो की है वो भी दी गई है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शनलिटी वो ये है कि ये IPX7 है। दोनों ही अगर आप बर्ड्स को कंपेयर करें तो दोनों में 0.8 ग्राम्स का वेट डिफरेंस भी है। तो अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया गया है, यहाँ पे दूसरा माइक्रोफोन दिया गया है और अंदर की तरफ ये तीसरा माइक्रोफोन दिया गया है। ये तीनों ही मिलके कॉलिंग और ANC के लिए मदद करते हैं। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो दोनों की बैटरी लाइफ भी काफ़ी सिमिलर है। लगभग 5 आवर्स विथ ANC आपको मिल जाएंगे। इसकी फिट ज़्यादा कंफर्टेबल है, छोटी होने की वजह से आपके कानों में अंदर की तरफ ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है। तो ये मैं कहूँगा ये सबसे बड़ी अपग्रेड है जो कि सैमसंग ने इस जनरेशन की बर्ड्स में की है। इस तरह से ये फर्स्ट जनरेशन की फिटिंग है, सेकंड जनरेशन फिट होती है। साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। लॉन्ग सेशंस के लिए तो इससे अच्छा खासा डिफरेंस पड़ने वाला है। तो पेयरिंग प्रोसीजर काफी सिंपल है। अगर किसी भी सैमसंग फोन के बाजू में आप बर्ड्स की केस खोलते हो तो इमिडिएटली फोन डिटेक्ट हो जाता है। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लेता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस मुझे बर्ड्स 2 प्रो को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप केस में से बर्ड्स को पहनते हो ऑटोमेटिकली ANC पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम अगर वॉइस डिटेक्शन ऑन करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बात करने शुरू रखता हूँ, मेरे खुद के बात करने पे ये वॉइस डिटेक्शन चालू हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे ANC से भी ये एम्बियंट नॉइस पे शिफ्ट होता है जब भी मैं बात करूँगा। यहाँ पे हम कितनी देर चुप बैठने के बाद वापस ANC पे जाना है उसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। इसकी जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो
हमारे फर्स्ट जनरेशन से अच्छी है। हमारी फर्स्ट जनरेशन की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मैं कहूँगा एप्पल के ईयरपॉड्स प्रो से लगभग 10% कम थी, ये मैं कहूँगा उनसे बेटर है, काफ़ी अच्छी नॉइस कैंसिलेशन है। जो स्पेसिफिक प्रेशर या कुछ सस्ती नॉइस कैंसिलेशन ईयरबड्स में जो बजिंग नॉइस हमारे कान में इंजेक्ट किया जाता है, सैमसंग के किसी भी नॉइस कैंसिलेशन के लिए वो प्रेशर या वो बजिंग नॉइस हम नहीं सुन सकते, चाहे वो बर्ड्स 2 हो, बर्ड्स प्रो हो या प्रो 2 हो, तो वो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। सेकंड जनरेशन में हम नॉइस कैंसिलेशन की लेवल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट नॉइस कैंसिलेशन है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंडली, ये जो वॉइस डिटेक्शन यहाँ पे है, जब मैं ये साउंड टेस्टिंग करने के लिए इस वॉइस डिटेक्शन के साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे था, तो बहुत बार ये जो वॉइस डिटेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रही थी, तो ये एक सॉफ्टवेयर बग मुझे ज़रूर नोटिस हुआ। अगर आप वॉइस डिटेक्शन को ऑन रखते हैं तो गाने सुनते वक्त आपका कई बार आवाज़ कम हो जाता है, और वो तब होता है जब एम्बियंट नॉइस ट्रिगर हो रहा है, लेकिन हमारे पुराने बर्ड्स में एज सच कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई है। तो यह एक सॉफ्टवेयर इशू है जो कि आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में सैमसंग की तरफ से क्लियर जरूर होगा, लेकिन जो मिस ट्रिगरिंग थी वॉइस डिटेक्शन की वो काफ़ी बार हो रही थी और वो इरिटेटिंग भी थी। साउंड क्वालिटी की बात करें, जो हमारी नई बर्ड्स हैं उनकी साउंड क्वालिटी मैं कहूँगा हमारे फर्स्ट जनरेशन से बेटर है, जब हम साउंड हाईएस्ट लेवल पे सुन रहे हैं। अगर आप दो लेवल साउंड नीचे सुन रहे हो, दोनों में 19-20 का ही डिफरेंस है और आप इतना कुछ दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हाईएस्ट पे रखें तो क्लियरली हमारी सेकंड जनरेशन की साउंड आउटपुट और क्लियरिटी फर्स्ट जनरेशन से अच्छी है। बाकी के सॉफ्टवेयर सेटिंग्स देखें तो 360 ऑडियो, ये 360 ऑडियो पिछले जनरेशन से ही मिल रहा है और ये सब जगह पे काम करता है। कुछ लोगों को ये पसंद आ सकता है, कुछ को नहीं, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। टच कंट्रोल्स में हम जाएं तो ये सारे बेसिक ही कंट्रोल्स हैं, और अगर टच एंड होल्ड में जाए तो हम इसे और कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और खास बात यह है कि यहाँ पे स्पॉटिफाई का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं राइट या लेफ्ट में और लॉन्ग प्रेस करते हैं तो बिना फोन को निकाले आपके गाने शुरू हो जाएंगे जहाँ से पिछली बार पॉज हुए थे। तो ये एक काफी हैंडी फीचर है। और ये नीचे ये दोनों कॉलिंग के सेटिंग्स है। ईयरबड सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे नए बर्ड्स के साथ जो इक्विलाइजर हमें मिल रहा है ये ऊपर भी इस तरह से हमारे ग्राफ को दिखाता है, तो ये एक एड ऑन है। अगर मैं ये सेम चीज बर्ड्स प्रो में जाऊँ, इक्विलाइजर में जाऊँ, तो वो ग्राफ मिसिंग है, लेकिन सारे ही मिलने वाले जो साउंड प्रोफाइल्स है वो दोनों में सेम ही है। तो अगर मैं बर्ड्स प्रो पहनूं, दोनों ही पहनने के बाद एन से एक्टिवेट होते हैं, हाई और लो का ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ जब मैं वॉइस डिटेक्शन को एनेबल करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं उसे अलग अलग 4 स्टेजेस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे ही ऑप्शंस हमारे बर्ड्स प्रो 2 में मिसिंग है, तो ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करने लायक है। फ्यूचर अपडेट्स में मैं काफ़ी श्योर हूँ कि ये सारी फीचर्स हमें इनके साथ मिली जाएगी, उसके साथ ये वॉइस डिटेक्शन का भी इशू सॉल्व हो जाएगा। ईयरबड सेटिंग्स में आगे देखें तो यहाँ पे फिट टेस्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, रीड नोटिफिकेशंस अलाउड ये ऑप्शन है, वो अगर आप सिलेक्ट करें तो कौन से ऐप्स के नोटिफिकेशन आपको अलाउड सुनने हैं वो आप इधर वापस कस्टमाइज कर सकते हैं। इन ईयर डिटेक्शन फॉर कॉल्स, सीमलेस ईयरबड्स कनेक्शन, ये पिछले 3 जनरेशन से हमें फीचर मिल रही है। अगर सेम सैमसंग अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज़ हो रहा है तो हम सीमलेसली यहाँ पे हमारा डिवाइस स्विच कर सकते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है। और लैब्स में ये डबल टैप ईयरबड्स एज और ये गेम मोड में लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट होता है, लेकिन बर्ड्स प्रो के साथ भी हिट एंड मिस है और प्रो 2 के साथ भी हिट एंड मिस ही है। कभी कभी जब आप वॉल्यूम अप एंड डाउन करने जाते हैं तब ट्रैक प्ले या पॉज होता है, या कभी कभार गलती से अगर आपने थोड़ा नीचे टैप कर दिया तो नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाता है। तो ये अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, इसलिए ये लैब सेक्शन में ही है, रिसेट कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी और ईयरबड सॉफ्टवेयर अगर और देखें तो फाइंड माई ईयरबड्स है और टिप्स और यूजर मैनुअल, ये दो ऑप्शन है। ये सारे ही ऑप्शंस और एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें हमारे बर्ड्स प्रो में भी मिल जाते हैं। दोस्तों फाइनली अगर हम दोनों को कंपेयर करें, आज भी फर्स्ट जनरेशन बर्ड्स प्रो में सेकंड जनरेशन से मैं कहूँगा यूजफुल 2-3 फीचर्स ज़्यादा ही है। साउंड क्वालिटी की बात आती है तो हमारी सेकंड जनरेशन की बर्ड्स प्रो बेटर काम करती है।
जो सबसे बड़ी अपग्रेड मैं कहूंगा जिसके लिए आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं वो है इनकी फिट, काफी बेहतरीन और कंफर्टेबल है। अगर दोनों ही बर्ड्स में हम कॉल क्वालिटी की कंपैरिजन करें, कहीं भी आपको शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी भी एक्सेप्शनल आपको कॉलिंग क्वालिटी मिलती है, सेम केस इसके साथ भी है, उस मामले में चूज करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे पूछे तो आप अगर बर्ड्स प्रो के फिट से कंफर्टेबल हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे दुगने पैसे खर्च करके सेकंड जनरेशन खरीदनी चाहिए। दोस्तों इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और आपने इन दोनों में से किसी को खरीदने का मन बनाया है तो आप वो लिंक से इन चीजों को खरीद के चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे, धन्यवाद।